हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और उतने ही अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे हैं, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। एंड वेलकम बैक टू बिगनर सीरीज पार्ट 10, जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होने वाला है। ऑलरेडी इतने टाइम बाद हमने ये सीरीज कंप्लीट कर ली है और 9 पार्ट इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मुझे मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और इम्पॉर्टेंट सीरीज हो जाती है, क्योंकि मैंने इस सीरीज के थ्रू एकदम जो भी मेरी नॉलेज थी, जो भी मैंने प्रिपरेशन के टाइम में चीज़ें करी थी, गलतियां करी थी, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए चीज़ों को, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको हर एक चीज़ बता सकूं पूरा डिटेल में। तो अगर कोई भी बिगनर है और वो ये सीरीज देखेगा, आई एम श्योर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में तो हेल्प मिल जाएगी, कोई डाउट होगा वो तो कवर हो जाएगा। लेकिन आप भी मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सीरीज कैसी लगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं इस सीरीज के थ्रू। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगी मैं आपको बता सकूं। बट अगर कोई ऐसा डाउट है जो मैंने वीडियो में कवर करा है, तो आप पहले कोशिश करना कि आप उसे वीडियो से जाके देख लें, क्योंकि वहां पे मैं डिटेल में आपको बता सकती हूँ। कमेंट में लिखने में मुझे थोड़ा सा होता है, कई बार मैंने वो वीडियो बनाई होती है, उसी टॉपिक पे मैंने वीडियो पे बात करी होती है, बट सेम चीज कमेंट पे आती है, तो फिर समझ नहीं आता कि उतना लंबा फिर से कैसे रिप्लाई दूं। स्टिल मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपको रिप्लाई दे दूं, बता दूं। बट अगर आपका वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप वो एक बार वीडियो देखना, आई एम श्योर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर उसके अलावा है तो आप पूछिए, मैं आपको खुशी खुशी बताऊंगी जो भी मुझे आता होगा, जो भी मुझे पता होगा। बाकी अब बात करते हैं इस वीडियो को लेकर, इस पर हम क्या बात करने वाले हैं। इस पर हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि हम प्रिपरेशन के टाइम करते हैं, जो कि मैंने करी है, हम मुझ जैसे बहुत लोगों ने करी होगी, और अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शायद आगे आके आप भी इस चीज को फेस करें। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी कोशिश रहेगी आप ये मिस्टेक्स ना करें, या फिर जब आप ये मिस्टेक कर रहे होंगे ना, आपके माइंड में आ जाए नहीं यार ये चीज नहीं करनी है मेरे, मतलब मैं ये चीज कर रहा हूं और मैंने देखा था ये मिस्टेक मेरे से हो रही है, मैंने वीडियो में देखा था ऐसा नहीं करना है, तो वो चीज आप अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहली चीज, आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है, हम जो गलती कर देते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो है अभी हम नए नए आए हैं, बिगनर आए हैं, हमें नहीं पता होता, हमें ऐसा लगता है कहीं कोई कमेंट में देख लिया ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहीं देख लिया कोई ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहीं देख लिया कोई और, तो हम क्या करते हैं ना, सबको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। सी, हर एक टीचर अपनी जगह, मैंने हर वीडियो में बोला है, अच्छा पढ़ाता है। कोई भी टीचर आपको क्यों गलत इन्फॉर्मेशन देगा, वो उनका काम है और वो अपनी तरफ से अपना काम बेस्ट वे में कर रहे हैं। बस ये होता है कि हम किसी टीचर से मेंटल लेवल पे अलग कनेक्ट हो पाते हैं, कोई किसी और से। हर किसी की समझने की, समझाने की पोटेंशियल अलग होता है, और वही जो हम कनेक्शन होता है, जैसे आप है, आपका किसी के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन बैठता है, तभी एक सर्किल होता है। आप किसी और के साथ फ्रेंड्स होते हैं, कोई दूसरा होगा उसका फ्रेंड सर्किल सेम टाइप के लोगों से नहीं होगा। बस इसी तरह टीचर्स के साथ भी आपका कनेक्शन बैठता है। हो सकता है जो टीचर किसी को बहुत अच्छा लग रहा है उससे आपको समझने में दिक्कत हो, और आपको कोई और टीचर अच्छा लग जाए, तो किसी के कहने पे, करने पे आप ट्राई कर सकते हैं, बट ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो मत करिए। पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक हमें इतना सोचने समझने की शक्ति है कि हम चीजों को सोच समझ के फॉलो कर सके, एकदम ब्लाइंडली ना फॉलो करें। तो अगर किसी ने आपने अच्छे टीचर्स रिकमेंड भी करे, जैसे मैं भी आपको वीडियोस के थ्रू करती हूँ, तो आप ना उन टीचर से जाके पढ़ के देखिए, कुछ टाइम पे आपको अगर समझ में आता है, चीजें अच्छी लगती है, तो उसे फॉलो करिए, नहीं आता तो मत करिए। और उसके अलावा मैंने हमेशा बोला है, एक या दो टीचर से किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उससे ज्यादा मत फॉलो करिए। आपने आई थिंक अब तो जो मैंने सीरीज बताई है उसमें एक मंथ तो ज्यादा ही हो गया है, तो अगर आपने इस टाइम तक तो सिलेक्ट कर ही लिया होगा आपको किन टीचर से समझ में आ रहा है, किन से पढ़ना है, बस उस पे उन पे स्टिक रहिए। हो सकता है आप जब प्रिपरेशन करें उसके बाद आपको लगे कि नहीं ये टीचर सही नहीं है, उनके वो वहां पे कोई मतलब रिव्यू आ रहे हैं कि उन टीचर के क्वेश्चन ज्यादा है, इन टीचर के क्वेश्चन ज्यादा है। सी, अगर आप किसी को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया, आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। उनका काम है पढ़ाना, हमें नॉलेज देना, हमारा काम है उसको प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंट करना, तो ये हम पे डिपेंड करता है, ना कि किसी टीचर पे। टीचर हमें समझा सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस करना, वो सब करना, सब कुछ हम पे है। आई नो टीचर का बहुत बहुत ज्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंस रहती है आपकी प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि वो एक बार जो बैठ जाता है दिमाग में ना, फिर वो इजी होता है करने में। बट स्टिल चूज आपको करना है, तो वाइजली चूज करिए, अपने हिसाब से चूज करिए, किसी और के हिसाब से नहीं। तीसरा, दो, एक या दो से ज्यादा टीचर मत फॉलो करिए, ठीक।
सेकेंड जो मिस्टेक है जो हम में से बहुत लोग करते हैं और शायद आप में से बहुत लोग अभी कर भी रहे होंगे, वो है बहुत सारे सोर्सेस को कलेक्ट कर लेना। जैसे पीडीएफ है कहीं से भी, बहुत सारे सोर्सेस से जहां से मिली है वहां से कलेक्ट करना। आजकल इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप हो गए हैं तो वहां पे आप ऐड होते हैं, देन किसी ने कोई बुक शेयर करी, किसी ने कोई पीडीएफ शेयर करी, किसी ने कुछ शेयर करा, आप हर चीज बस वो कलेक्ट, और हमारे पास वो सिर्फ कलेक्ट ही रह जाती है, कई बार तो हम उसे कर भी नहीं पाते। तो बहुत जरूरी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप मिनिमम चीजों से प्रिपरेशन करें। आपको पता होना चाहिए, इसी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जितनी मिनिमम चीजें और अच्छी क्वालिटी की चीजें, मतलब कि अच्छे चीजों पे आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, उतना आपका माइंड जो है ना वो क्लियर रहेगा। हमें ना क्लटर नहीं करना, मतलब हमें चीजें इकट्ठा नहीं करनी है, डिक्लटर करिए। अगर आपने डाउनलोड करके रखी है अभी जाके, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसे रखिए। जैसे कोई सिंप्लीफिकेशन की, कोई एक पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन है, इनफ है, उसे रखिए। उसके अलावा बाकी सारी डिलीट करिए कि बाद में नहीं मिलेगी, बाद में मिल जाती है अगर वो क्वेश्चन, पहले आप उसे तो खत्म करिए, जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट मिल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह सोर्सेस से पीडीएफ्स वगैरह कलेक्ट मत करिए। कहीं से भी क्वेश्चन मिला आप वो करने लग गए, आपको अपनी प्रिपरेशन में पता होना चाहिए आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। आपकी डेली रूटीन ही हमारा इतना होता है कि हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, हमें यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, हमें ये टॉपिक प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा आपके पास मॉक्स है ना प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अलावा आपके पास अड्डा, गाइडली, ऐसी साइट्स है जहाँ पे आप क्यूज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्यों अननेसेसरी इतनी सारी पीडीएफ्स को कलेक्ट करना है ऑलरेडी, जब आपके पास अच्छे क्वालिटी के सोर्सेज हैं। तो अननेसेसरी बहुत सारी चीजें मत कलेक्ट करिए। जिन टीचर को आप फॉलो करते हैं अगर वो आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं देन इट्स गुड, अदरवाइज उसके अलावा हर ग्रुप से जाके मत कलेक्ट करिए। बहुत जरूरी है क्लीन रखना अपनी स्पेस को, अपने माइंड को और अपने फोन को भी, क्योंकि फोन में हम पीडीएफ कलेक्ट करते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक वो है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्री की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और फिर सोचते हैं पहले प्री तो क्लियर हो जाए उसके बाद मेंस का देखेंगे। जब प्री नहीं क्लियर होगा तो फिर मेंस का करेंगे क्या, मतलब जब पहला स्टेप ही नहीं हुआ, कितना भी पढ़ ले मेंस के लिए जब हो ही नहीं रहा प्री, तो मेंस का कोई फायदा तो है नहीं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, अगर प्री ही नहीं हुआ तो मेंस का कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ के कर भी क्या लेंगे जब हम मेंस ही नहीं दे पा रहे, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए आप 4 to 5 months प्री को दे रहे हैं इनिशियली, मतलब हो सकता है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, नहीं हो रहा हो एक दो प्रीलिम्स में, लेकिन जब आपका प्रीलिम्स होगा उसके बाद आपके पास कभी 15 डेज 20 डेज डिपेंड्स ऑन एग्जाम, मैक्सिमम लगा लीजिए चलिए 1 month होता है, क्या 1 month में वो मेंस का कवर कर पाएंगे जब आप प्री को ही 4 to 5 months दे रहे हैं। और जब हम तब नहीं प्री क्लियर कर पा रहे तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो क्या मेंस का 1 month में 15 डेज में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। और हमारा मेन मोटिव है सिलेक्शन लेना, तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली प्री एक पहला स्टेप है, अगर यही नहीं कवर कर तो हम सेकेंड स्टेप में जा ही नहीं पाएंगे। तो प्री से स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एक टाइम बाद स्विच करिए अपने हाई लेवल क्वेश्चंस पे। वहां से ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्री की प्रैक्टिस छूट जाएगी, साथ साथ प्री की प्रैक्टिस भी करिए। और जब हम थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाते हैं ना तो हमारा माइंड थोड़ा ओपन होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप प्री के लिए भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो प्री और मेंस में एक बैलेंस बनाइए, साथ ही साथ अपनी जनरल अवेयरनेस जो है वो डेली पढ़िए, जीके के क्वेश्चंस डेली पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर एक चीज को एक बैलेंस वे में लेकर चलें। फोर्थ मिस्टेक जो हम में से बहुत लोग करते हैं वो है स्पीड के पीछे भागना। हमें लगता है हमने बेसिक कर लिया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब हमारी स्पीड आ जाए बस कैसे भी करके। मार्क्स देते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे होते, स्पीड नहीं बन रही है, स्पीड ही नहीं है इतनी, इतना कम तो हम कर रहे हैं। तो स्पीड, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने बेसिक पढ़ा, कल आपने प्रैक्टिस करी, थर्ड डे आपकी स्पीड आ जाएगी, या फिर 1 month में ही आपकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड आने में टाइम लगता है, पहले 2 to 3 months तो आपको अपना सिलेबस कवर करने में लगेगा, समझने में लगेगा। जब आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, तब जाके धीरे धीरे आपकी स्पीड आएगी। एकदम से स्पीड नहीं आती है। सिर्फ स्पीड कहाँ आप चेक करेंगे, अपने क्विजेज में, अपने मॉक्स में, वो मेन स्पीड है ना। जब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं तो क्या आप हर एक क्वेश्चन को रिटेन कर पा रहे हैं, उसके साथ अपनी स्पीड मेंटेन रख पा रहे हैं, उसके साथ अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रख पा रहे हैं। और वो तभी होगा जब आपके टॉपिक्स कवर होंगे। तो पहले फोकस करिए अपने बेसिक स्ट्रांग करने पर, अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कवर करने पर, देन उसके बाद प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उसी हिसाब से आपका जो रिटेन कर पाएंगे वो अच्छे से कर पाएंगे मॉक्स में, और उसी हिसाब से आपकी स्पीड भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। सबसे पहली चीज हमें अपने बेसिक करने हैं, देन हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमें जब हम मॉक्स देंगे पहली बार या क्विज देंगे कोई भी, तो वहां पे हमें देखना है जो हमने पढ़ा है क्या हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, कहीं हम वो गलत तो नहीं कर रहे। एंड देन आफ्टर दैट हम
जो फोकस करेंगे वो होगा स्पीड पर, कि हर एक मॉक के साथ हमारी थोड़ी बहुत स्पीड इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हम अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो प्रोसेस वहां से शुरू होता है। तो अभी जो आप एकदम बिगनर पे हैं, आप अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्पीड का जो माइंड में रहता है वो अभी अपने माइंड से निकाल दीजिए और अपने बेसिक्स पे वर्क करिए। स्पीड विद टाइम आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्पीड भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो आपको बिल्कुल 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 भी नहीं करनी है, वो है किसी से अपने आप को कंपेयर करना। जैसे कि हो सकता है आपके साथ वाले, हम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होते हैं, हम यूट्यूब में देखते हैं, लाइव क्लास देखते हैं, कई लोग बहुत जल्दी आंसर कर लेते हैं, कई लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं, कई लोग आंसर कर रहे होंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा होगा कि सर बता क्या रहे हैं, क्या चल रहा है। प्लीज अपने आप को किसी और से मत कंपेयर करिए, आपको नहीं पता उनके बारे में कि वो कब से प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें कितना टाइम हो गया है। हो सकता है वो दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हो, सकता है शायद वो पहली बार भी अटेम्प्ट कर रहे हो पर पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, और हो सकता है वो आपके साथ के ही हो, बट स्टिल हर किसी की समझने का तरीका अलग होता है, हर किसी का रिटेन करने का तरीका अलग होता है। तो हमें फोकस करना है अपने ऊपर। आई नो हमें कॉम्पिटिशन में है, बट कॉम्पिटिशन तो हमें मेन जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो है एग्जाम क्लियर करना, तो हमें उस पर फोकस करना है ना कि और लोगों पर। तो बेटर है कि अपने आप को कंपेयर मत करिए, एटलीस्ट जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं, जब आप एकदम पढ़ाई के प्रोसेस में है, खुद पे फोकस रखिए, बस इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप हर एक क्वेश्चन कर सकें। इतना समझिए कि हर दिन आप खुद से बेटर कर रहे हो, आपने जब एक क्विज दिया तो नेक्स्ट क्विज में आप उससे बेटर हो, आपने जब एक मॉक दिया आप नेक्स्ट मॉक में अपने आप से बेटर हो, और धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि आपके रिजल्ट्स, आपके मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। वो है रियल जो इम्प्रूवमेंट है, ना कि किसी से कंपेयर करके आपको अपनी रियल जो वो इम्प्रूवमेंट होगा वो पता चलेगा। तो अगर कंपेयर करना ही है तो खुद से करिए, खुद के उससे प्रोसेस से करिए, किसी और से अपने आप को मत कंपेयर करिए। ये थी जो कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं ना, आई होप अब आप लोग ना करें इस वीडियो को देखने के बाद, और जो लोग कर रहे हैं प्लीज उसे अभी स्टॉप कर दीजिए। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आई थिंक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया आई एम श्योर आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, आई एम श्योर आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन के टाइम में ये चीज फॉलो करी है, मैं आज भी वो अपने लिए फॉलो करती हूँ, और मुझे स्टिल उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, आई फील कॉन्फिडेंट अगर मैं वो चीज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो वो है कंसिस्टेंसी से काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई में। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ऐसा ना हो कि आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, देन पूरे वीक आप पढ़ ही नहीं रहे, देन नेक्स्ट वीक, देन हम सोचते हैं नेक्स्ट मंथ, बट इससे बेटर है ना, जब हम मोटिवेटेड होते हैं ना, हम अपने आप को बहुत जो टाइम टेबल है वो ऐसा बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े टारगेट्स कि हम ये कर लेंगे, एंड देन कुछ दिन तक तो हम फॉलो कर पाते हैं और फिर हमारा वो छूट जाता है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, गिल्ट होता है अंदर से। तो उस चीज को कैसे अवॉइड करें, आपको अपने आप को बहुत छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं। सपोज आज आपने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ वन मंथ तक 5 सिंप्लीफिकेशन डेली करेंगे, 5 नंबर सीरीज डेली करेंगे, और जो स्क्वायर्स हैं उसे 5 मिनट्स, जो क्यूब रूट है इन सबको रिवाइज करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है, टोटल आप 5 5 और फिर 5 मिनट्स दे रहे हैं, कितना मिनिमम टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं, बट आपको ये डेली करना है वन मंथ तक, चाहे कुछ हो जाए आपको वो कंसिस्टेंसी के साथ करना है। स्टिल अगर आपको वीक में एक दिन का गैप लेना है दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट अदर देन दैट आपको करना ही करना है। तो ये चीज जब आप डेली करेंगे ना, आई एम श्योर अगर आप एक हफ्ते में 1000 सिंप्लीफिकेशन करते हैं और फिर पूरे महीने भर या 2-3 हफ्ते तक नहीं करते हैं, देन 1000 सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उससे बेटर रिजल्ट आपको डेली 5 सिंप्लीफिकेशन करने से मिलेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका पढ़ाई में ऑटोमेटिक धीरे धीरे मन लगेगा, क्योंकि जब हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है किसी दिन आप प्रैक्टिस करें आपका ज्यादा मन लग जाए, आपको मन करे कि आप कोई और सब्जेक्ट भी और अच्छे से पढ़ ले, तो ऐसे धीरे धीरे आप समझने लगते हैं चीजों को, जब हम समझने लगते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक मन लगता है। और कंसिस्टेंसी ही ऐसी चीज है जो आप डेली करेंगे वो आपको बैंक में सिलेक्शन दिला सकती है। अगर आपका बेसिक बहुत वीक है, कुछ भी है, आप किसी भी लेवल पर है ना, आप एक बार कंसिस्टेंट होके तो देखिए आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ये चीज फॉलो करते होंगे, मैंने खुद फॉलो करी है और बहुत बहुत मुझे इसका बेनिफिट मिला, इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक प्रिपरेशन करिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। और इसी के साथ हमारा बिगनर सीरीज का भी एंड होता है, और आई होप आप जो इस सीरीज से सीखेंगे, समझेंगे, उसे अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी सोच समझ के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आपके लिए बेस्ट है आप वो चीज लेंगे, और जो आपके लिए नहीं बेस्ट है वो आप छोड़ेंगे। हम सब खुद में इतने समझदार हैं कि ये डिसाइड कर सके कि हमारे लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। तो अपने लिए चूज करिए, अपने हिसाब से पढ़िए, एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। होली एंजॉय करिए, और लेकिन उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़िएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।